हम सुनील जीवन तांबे आशी नगर जोनल अधिकारी जोन क्रमांक 9 हूँ। 1 तारीख जो कार्यक्रम लिया जा रहा है, ये जो अनकवर्ड एरिया है या जहाँ पे अपने को नागपुर महानगर पालिका से ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, कुछ चीज़ों को लिए लेकर लिया जा रहा है, परंतु PWD विभाग इसमें पूर्ण रूप से हमें सहयोग नहीं कर पा रहा है। और जहाँ भी हमारा 1 तारीख 1 तास कार्यक्रम होता है, वहाँ के PW विभाग के कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हाजिर नहीं रहते। हमारे स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी और हमारे जोन के जो स्वास्थ्य निरीक्षक है, जमादार है, ये सब यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और इनके माध्यम से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो बस्तियों में NGO है और जो भी संस्थाएँ हैं, उनको साथ में लेकर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मेरा माननीय हमारे आयुक्त साहब से निवेदन रहेगा कि जो हम कार्यक्रम 1 तारीख 1 तास का ले रहे हैं, उसमें PWD के लोगों ने हमें पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए तथा हमने जो ब्यूटिफिकेशन के लिए जगह बताए हुए है, उसमें उन्होंने कार्य करना चाहिए। मैं रोशन जांभूळकर, स्वास्थ्य निरीक्षक आशीनगर जोन क्रमांक 9 मधून, आम्ही 1 तास 1 तारीख हे उपक्रम आहे भारत सरकारांचा, तर हे राबवण्याकरिता आपण प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला 1 तास हे श्रमदान करायचं आहे। आपल्याला प्रत्येक एरियामध्ये, प्रत्येक प्रभागामध्ये, असं आपल्या झोनमध्ये आता निदान 2 महिन्यापासून हे सुरुवात झालेली आहे, आता हा 3रा महिना आहे। प्रभाग क्रमांक 2 झालेला आहे, आता प्रभाग क्रमांक 7 सुरुवात करून राहिलो। याच्यामध्ये कसं आहे की आमच्या कर्मचारीसोबत नागरिकांचा सहभाग होणं खूप अत्यंत आवश्यकता आहे, कारण आम्ही तर निघून जातो साफसफाई करून, पण इथले नागरिक जे आहेत त्याच पाहतात आणि कचरा कुठेही टाकून देतात। तर हे ॲक्टिव्हिटीज आणि जनजागृती करणे खूप महत्त्वाचं आहे। नागरिकांच्या जर नागरिक आम्ही 8 तासाचा काम करतो, नागरिकांनी यदि विचार केला तर ते संपूर्ण परिसर हे साफ ठेवू शकतात। जर आम्ही साफ केल्यानंतर ते संपूर्ण परिसर ते साफ ठेवू शकतात आणि आमच्या कर्मचाऱ्यांना तुम्ही थोडा सहयोग करा, कारण घरोघरी गाडी येते कचऱ्याची, पण ते कचऱ्याची गाडी निघून जाते तर लोक आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या गाडीमध्ये ते कचरा टाकतात। तर त्यांनी कचरा गाडीमध्येच कचरा टाकावे, इतर कुठेही फेकू नका, कारण कचरा जर किचन वेस्ट आहे तर ते 12 तासाच्या नंतर त्याची इतकी भयंकर वास येतो आणि त्याच्यामुळे प्रदूषण आणि बाजूच्या लोकांनाही त्रास होतो आणि बिमारी वगैरे होऊ शकतो। मेरा नाम आदर्श गणवीर आहे, मैं प्रभाग 7 में जमादार के पद पर कार्यरत हूँ। लघुवेतन कॉलोनी में आज एक तास एक घंटा ऐसा हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। यहाँ पर सभी नागरिकों के साथ में प्लस हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनके साथ में पूरा एरिया क्लीन किया जाएगा और उनको एक मैसेज दिया जाएगा कि अपने कचरे का कैसा यूज़ करना चाहिए, गाड़ियाँ जो आती है उनमें सेग्रीगेट करके कचरा देना चाहिए और पूरा परिसर आज क्लीन किया जाएगा नागरिकों के सहकार्य के साथ। मेरा नाम आयुष मलिक है और मैं HMS टीम से हूँ, मैं सुपरवाइज़र हूँ जोन 9 का। और हमारा IC का काम है, हमारा सेग्रीगेशन का काम है, घरों घर जाके हमारी टीम सेग्रीगेशन करवाती है, गीला सूखा कैसा अलग अलग करना चाहिए और सेग्रीगेट करवाते हैं गीला सूखा अलग अलग। और बहुत से लोग सहयोग भी कर रहे हैं, धीरे धीरे नागपुर जो है ये नागपुर को नंबर 1 लाने के लिए इंदौर से बुलाया गया है टीम, तो उनमें हम काम कर रहे हैं। अभिषेक कोकोड़े, लघुवेतन सोसाइटी का संचालक बोल रहा हूँ। आज सुबह देख के बहुत अच्छा लगा और कॉरपोरेशन का ये एफर्ट, कॉरपोरेशन की तरफ एक तास वाला 1 तारीख का, इसमें मैं चाहता हूँ मेरे कॉलोनी वासियों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो भी अपना एफर्ट लगाए, घरों के अंदर का कचरा साफ सफाई करने के अलावा थोड़ा सा अपने परिसर पे भी ध्यान दे और निगलेंसी पे ये अपना ध्यान केंद्रित करें। और मेरा सभी लोगों से धन्यवाद है और ख़ास करके हमारे ये जो
सफाई कर्मी है, जो इनसे बहुत इनका ही एफर्ट है जो आज अपने लघुवेतन परिसर में इतनी साफ सफाई है। रहवासी हूँ, आज सवेरे देखा कि एक तारीख एक घंटा। अब मैं बोलता हूँ कि एक तारीख एक घंटा ही क्यों, 29 दिन कहाँ गए? 29 दिन भी हमको सक्रिय रहना है, और ये लोग तो 8 घंटे काम करते, 6 घंटे काम करते, जो भी है उसके बाद क्या, उसके बाद हमको भी अपने कॉलोनी का और अपने एरिया का साफ सुथरे का ध्यान देना चाहिए। गाड़गे बाबा महाराज जब खुद पूरे महाराष्ट्र की सफाई कर सकते, तो क्या हम अपने परिसर की सफाई नहीं कर सकते? बस मैं सब इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, ये सब दिल लगा के काम करते हैं। बस मी चंद्रपाल कवाडे, लघुवेतन कर्मचारी सोसायटीचा संचालक मंडळामध्ये मी हे म्हणतो की या कर्मचाऱ्यावर, NNC कर्मचाऱ्यावर डिपेंड न राहता प्रत्येकांनी, प्रत्येक नागरिकांनी जर स्वतः पुढाकार घेऊन साफसफाई केली तर आपला भारत नेहमीच स्वच्छ आणि सुंदर होईल।